हाय एवरीवन, आई एम मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे घर पे खुद से अपने लिए मेकअप रिमूवर वाइप्स बना सकते हैं। मार्केट के जो मेकअप रिमूवर होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और समटाइम्स हमारे पास मेकअप रिमूवर ख़त्म हो जाता है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं मिल पाता बाई चांस कि हम उसे मार्केट से खरीद सकें। तो इसे आप घर पे भी खुद से ईजिली बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ यही शेयर करूंगी कि आप कैसे मेकअप रिमूवर को घर पे बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, मगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोज देखने के लिए। साथ में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूले, जिससे जो मेरी न्यू वीडियोज है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो करिए उसको लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले लेंगे हम हाफ ग्लास फिल्टर वाटर। सेकंड हमें लेना है कोकोनट ऑयल। हम लेंगे बेबी शैम्पू, ये नो मोर टीयर्स बेबी शैम्पू है जो कि आपकी आंखों को भी हार्श नहीं करेगा। हम लेंगे कॉटन वाइप्स। हम ले लेंगे इस तरीके का कोई भी प्लास्टिक या कांच का जार इसको स्टोर करने के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आप मेकअप रिमूवर बनाने का प्रोसेस। तो हमें हाफ ग्लास वाटर में 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ऐड करना है। कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून जॉनसन बेबी शैम्पू और फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब खाली कांच का या प्लास्टिक का जार लेकर के सभी कॉटन वाइप्स को इसमें इस तरीके से प्लेस कर दूंगी और फिर हमने जो लिक्विड रेडी किया था वो भी इसमें डाल दूंगी। तो रेडी है आपका मेकअप रिमूवर। अब मैं इसको अपने फेस पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। कॉटन वाइप लेकर के मैं आपको अपना मेकअप जो मैंने अप्लाई किया हुआ है उसको रिमूव करके दिखाऊंगी। आंखों का भी मेकअप ये काफी अच्छे से रिमूव कर देता है। इस मेकअप रिमूवर में हमने ऐड किया है जॉनसन बेबी शैम्पू जो कि आपकी आंखों को हार्श नहीं करेगा। अगर ये गलती से आपकी आंखों में भी इसका लिक्विड चला जाता है तो ये आपकी आंखों को हार्श नहीं करेगा क्योंकि ये नो मोस्ट टीयर शैम्पू है। और साथ में इसमें हमने ऐड किया है कोकोनट ऑयल, फेस को पूरा क्लीन करने के बाद ये आपके फेस को ड्राई नहीं होने देता है। तो देखिए इसने मेरे फेस लिपस्टिक को भी अच्छे से रिमूव कर दिया है। ऑलमोस्ट मेरा 99% मेकअप अच्छे से रिमूव हो गया है और बाकी का मैं इससे अच्छे से रिमूव कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो करिए इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। तो जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।